हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हम भी एकदम मस्त है, स्वस्थ है। दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकी रावत फैमिली ब्लॉग में। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही सुबह 10 बजे से और सारे गए हैं खेलने के लिए, तो मैं भी घर पे हूँ अकेले, अपने कामों में निपटा रही हूँ। तो अभी मैंने नहा धो के पूजा पाठ कर लिया है और आन्या भी नहा के गई है खेलने, तो आन्या ने भी पूजा पाठ कर लिया था और आरब के पापा तो बिना नहाए ही गए हैं। और गर्मी, भयंकर गर्मी हो रही, इतनी भयंकर गर्मी, बेडरूम से बाहर निकलते ही निकलते बाल भी गीले हो जा रहे हैं और कपड़े भी गीले हो जा रहे हैं, इतनी भयंकर गर्मी हो रही है। और 24 घंटे एसी में भी नहीं रह सकते हैं कि हम बेडरूम में ही पैक हो के रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। किचन में भी काम करना ही है ना, और बाकी का काम भी करना ही है। तो इतनी भयंकर गर्मी हो रखी है, रोज़ तो ऐसे आता है ना गुजरात में, धूप खिली खिली धूप रहेगी, हाय राम। तो अभी मैंने काम झाड़ू पोछा कर लिया है, नहाना धोना अपने और आन्या के कपड़े धो दिए हैं। अब आरव और अवजी आएंगे तो फिर उनके कपड़े मैं सोच रही हूँ कि शाम को धोऊंगी। इतने कपड़े हो जा रहे हैं ना आजकल, सुबह शाम के कपड़े की क्या बोले। और अभी मैंने ना छोले रख दिए हैं बनाने, बॉयल करने के लिए, चावल भिगो दिए हैं और बस बच्चे आएंगे तो तब तक देखती हूँ अभी छोले बॉयल होने में कितना टाइम लगता है, फिर चावल बनाऊँगी। हाय राम जी, सोच रही हूँ ना तब तक कुछ योगा वोगा कर लेती हूँ, तो कभी कभी जब मुझे टाइम मिलता है ना तब तक कर लेती हूँ, और जब जब मुझे टाइम नहीं मिलता तो तब तक नहीं करती। तो यहाँ पे ना मेरा आरव आ गया है खेल के, उसको दे रखा है मैंने मस्कमेलन खाने के लिए, और आन्य तो मस्क मेलन पापा ने खिलाया था, थप खाया था मैंने। उसको तो आम दे दो और बाकी और कुछ भी नहीं। क्या खेल रहे थे? इधर दो फोन, हाँ रख दो फोन। छुपन छुपाई और वो पोलो, पोलियो, पोलो नॉक नॉक। बालाजी मैंने खेलती थी मैं, भैया भी वही खेल रहा था ना, भाई तो वहाँ पे था शास्त्री। आप शास्त्री मैदान गए थे? अच्छा। और हम लेके आए थे परसों आम, आम की पेटी, वो हो गई है फिनिश, तीन बाकी है। आन्या को तो आम दे दो, बाकी और कुछ फ्रूट मत दो इसको। देखो एक इधर लेट गया और एक इधर लेट गया, खा पी के एक रख दिए प्लेट, किचन में रखो प्लेट को। तो यहाँ पे मेरा खाना बनके तैयार हो गया, यहाँ पे बना दिए मैंने छोले, यहाँ पे मैंने खीरा काट दिया सैलेड के लिए, बटर मिल्क बना दिया। आने ने बोला मम्मा इसमें काले नमक के अलावा कुछ मत डालना, तो मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला। और यहाँ पे बन गया हमारा चावल। तो राव जी आ गए हैं खेल के और सबके सब नहा गए हैं अब, तो अब हम जल्दी से खाना खा लेते हैं और टाइम भी ना 12 बज गए हैं और गर्मी देखो तो भयंकर हो रही है, तो हम खाना खा लेंगे उसके बाद आराम से बैठ जाएंगे बेडरूम में, वहाँ पे हम लोग लूडो वगैरह खेलते हैं, मज़ा आता है बच्चों के साथ लूडो खेलने में। तो दोस्तों हमने खाना पीना भी खा लिया और किचन भी मैंने साफ़ कर दी है, बर्तन धो दिए हैं। अब जो मेरा यहाँ पे मैं वो रखती थी अपना क्या बर्तन धोने का छबड़ा जिसमें बर्तन रखती थी, अब उसकी जगह मटके ने ले ली, तो बर्तन मैंने यहाँ रख दिए हैं बाहर धो के। बाकी किचन मेरी तकरीबन साफ़ हो गई है। पतीला, इसको हम पतीला बोलते हैं, कई लोग इसको भगोना भी बोलते हैं, इसको रख देते हैं यहाँ पे। और बाहर हमने पर्दे लगा दिए हैं तो एकदम अंधेरा अंधेरा हो गया है, और बच्चे मेरे ना बेडरूम में बैठे हैं। ओ वाह, हाय राम, कमरा इन्होंने ऐसे चिल्ड कर रखा है, पर देखो 20 पे कर रखा है, 20 पे कर रखा है, 24 पे कर। हाय राम, जान में जान आई यहाँ पे आके, ऐसे लग रहा ना पीठ में भी घमोरियां खा रही हैं। चीज 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 कर रही है मेरी पीठ तो घमोरियों से। और आज ही कहाँ से दिन आया होगा कि इस समय पढ़ाई हो रही है घर पे भाई।
वेरी गुड बेटा, खा पी के। हाँ आपकी हिम्मत नहीं हो रही होगी नहीं। अरे मेरा भाई तो एकदम आसी बन गया है। हाँ और उसकी भाई, उसकी बहन, उसकी बहन अंडा वाला सर को सुन। तो दोस्तों खाना खाने के बाद थोड़ी देर मैंने किया था आराम, और अभी ना टाइम 5 बज रहे हैं और आरब आन्या चले गए हैं खेलने के लिए। राहुल जी चले गए हैं कटिंग करवाने के लिए, बोले मैं कटिंग करवा के आता हूँ। और इतनी भयंकर गर्मी हो रही ना, क्या मैं बोलूँ, बेडरूम से तो बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं हो रही है। तो मैंने कपड़े धोए थे तो कपड़े सूख गए थे, वो मैंने रख दिए हैं अब कपड़े प्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा। बस अब रावत जी आ जाएंगे तो उनके कपड़े और आरब के कपड़े सब बहुत सारे कपड़े हैं तो उनको भी मैं जल्दी से धो के फिर सुखा दूँगी। और यहाँ पे देखो मैंने खरबूजे के बीज रखे थे सुखाने के लिए। तो अच्छे से सूख गए हैं ये, तो अब इनको हम रख देते हैं। ऐसे सूखे सूखे से लग रहे जैसे इनके अंदर कुछ भी नहीं होगा। तो ये 2 दिन के बीज थे, 2 खरबूजे के, तो मैंने दोनों को मिक्स कर दिया है। अब इनको रख देते हैं 1 डिब्बे में, जिस दिन टाइम होगा उस दिन छिलूंगी। तो खरबूजे के बीज रख दिए हैं मैंने डब्बे में, और जब मुझे अब टाइम मिलेगा तब मैं इनको छिलूंगी। और अब मैं सोच रही हूँ ना कि बच्चों के लिए थोड़ा कस्टर्ड पाउडर की बर्फ़ी बना लेती हूँ, देखती हूँ कैसे बनती है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे वीडियो उसके देखे हैं तो लोग अच्छी बर्फ़ी बनाते हैं। तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ, तो दिखाती हूँ फिर आप लोगों को कि कैसे बनती है ना। यहाँ पर रावत जी कटिंग करवा के, अगर कितनी गंदी कटिंग करवा रखी है आपने, तो ये अच्छी नहीं लग रही है। आगे आगे रखे हैं बाल चुप्पे में, और बाकी पीछे से पूरे टकलो रखे हैं। ये ना कटिंग करवा के आते हैं तो इनकी कटिंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, पीछे से एकदम पूरे टकलू होके आ रखे हैं और आगे आगे यहाँ पे बाल रखे हुए हैं। एक बार ऐसे ही इन्होंने आरफ की भी कटिंग करवाई थी, तो फिर मैंने आरफ को ना टकलू ही करवा दिया था कि मुझे अच्छी नहीं लगी थी वो वाली कटिंग भी। तो फिलहाल अभी चलती हूँ अपने प्रोसेस की ओर और देखती हूँ कैसे बनती है कस्टर्ड की बर्फ़ी। यहाँ पे मैंने कस्टर्ड की बर्फ़ी बनाने के लिए रखा है कस्टर्ड पाउडर, एक कटोरी में थोड़ा सा कम है, चीनी भी एक कटोरी में थोड़ी सी कम है, घी, और यहाँ पे मैंने खरबूजे के बीज और 2-4 कद्दू के बीज भी थे मेरे पास, मैंने वो भी डाल दिए। थोड़ा सा मैंने इसमें काजू कूट के रखा हुआ है, और ये रख दिया मैंने पानी। तो शुरू करते हैं अब बर्फ़ी बनाना। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस के ऊपर, और इसमें डालूँगी मैं 2 कटोरी पानी। ये, और अब डालूँगी मैं इसमें 1 कटोरी चीनी। चीनी में लौंग भी चली गई, तो लौंग मैंने निकाल दी है इसमें, और अब चीनी को पकाते हैं थोड़ा। जब तक मेरी चीनी पकती है तब तक हम कस्टर्ड का घोल बना देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ना कस्टर्ड मेरा अच्छे से फ्राई हो गया है, ये अब देखो साइड से अभी घी छोड़ने लगा है, तो अब मैं इसको निकाल देती हूँ एक थाली में। तो यहाँ पे मैंने ना थाली को घी से अच्छे से ग्रीस कर दिया है, और अब मैं इसमें डाल दूँगी कस्टर्ड पाउडर को हलवा। तो यहाँ पे मैंने ना अच्छे से गिलास से उनको प्रेस कर दिया है, और अब मैं इसको आधा घंटा ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, घी भी निकल रही है उसमें, उसके बाद हम इसको कट करेंगे। बर्फ़ी बनाते बनाते देखी मैं कैसे पसीना पसीना हो गई थी। तो अभी रावत जी नहा के चले गए हैं फ्रेंड के घर, बुलाते समय बच्चों को भी ले आऊँगा, पसीना देखूँ तो वो चले गए हैं। और अब कपड़े हैं धोने के लिए, तो मैं झट से अभी कपड़े धो देती हूँ
उसके बाद अभी बर्फी मैंने ना सेट होने के लिए रख दी है, फिर जब उसको कट करूँगी फिर बताऊँगी आप लोगों को कि कैसे बनी है। जैसे ही बाथरूम में गई कपड़े धोने के लिए, वैसे ही नीचे सब्जी वाले अंकल आ गए। तो सब्जी लेने गई तो उनके पास तोरी है, बहुत मोटी मोटी तोरी है, एकदम हार्ड टाइप की। तो मैंने कहा तोरी नहीं लूँगी, तो मैं 10 रुपये का धनिया लेके आ गई, क्योंकि मैं लेके आई हूँ 1 kg कच्चे आम। तो आरा को आम की चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है, लास्ट टाइम भी लेके आई थी मैं, तो उसने खुश होकर खाई थी चटनी। तो मैंने कहा उसके लिए मैं चटनी बनाऊँगी, और तोरी देखते हैं कल सुबह कोई और सब्जी वाले आएंगे नीचे तो उनसे ले लूँगी। फिलहाल फिर से चल घुसती हूँ बाथरूम में और धोती हूँ कपड़े। धनिया रख देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कपड़े मेरे धुल गए हैं और मैंने वो सूखने के लिए डाल दिए हैं कि अब ठंडे में आराम से सूख जाएंगे सुबह तक। और मैं चलती हूँ किचन में और देखती हूँ अपनी मिठाई कैसे बनी है। तो यहाँ पे मैं लेके आ गई मिठाई, अब इतने अच्छे से भी ठंडी नहीं हुई है, लेकिन मुझे काटने का बहुत ज़्यादा शौक है। इसको हम कट कर लेते हैं। वाव, पीस थोड़ा बड़ा हो गया है लेकिन बहुत अच्छी बनी है। बड़े बड़े से पीस हो गए हैं लेकिन बनी बहुत अच्छी है। तो बहुत अच्छी मिठाई बन के तैयार हुई है। ये देखो थोड़ा पीसेस बड़े हो गए हैं, कोई नहीं अभी मैं उनको छोटे कर दूंगी। और अब बच्चे आएंगे तो वो खा के बताएंगे कि कैसे हो रही है बर्फी। थोड़े से मैं ना फ्रेंड के लिए रख देती हूँ, अन्य आएगी अभी तो फ्रेंड के घर भेजती हूँ फिर उसको। तो अभी आएंगे वो तो खा के बताएंगे आपको कि कैसे बनी है। बाकी मुझे तो देखने से तो बहुत अच्छी लग रही है। बाकी मैंने मीठा थोड़ा सा कम रखा हुआ है कि मैंने कहा ज़्यादा मीठा नहीं खाना, आजकल मीठा मीठा इतना हो रहा है कि क्या बताएं, क्योंकि बच्चे पानी वगैरह भी पीते हैं ना, तो वो भी बच्चे मीठा ही पानी पीते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसमें मीठा कम रखा है। हाय राम जी, अब चलती हूँ किचन में और करती हूँ अपने काम। तो ये देखो दोस्तों, जेली टाइप की बनी है, हिल भी ऐसी ही है वो। तो हमारी कस्टर्ड की बर्फी बनके तैयार हो गई है। तो ये मैंने ना पीसेस काट के रख दिए हैं प्लेट में, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फ्रेंड के लिए रख दिया है, आने आ रही है अभी लेके जाएगी, और ये रख देती हूँ मैं फ्रीज में। थोड़ा पीसेस मेरे से सही नहीं कटे लेकिन कोई नहीं, बनी अच्छी है। आने आ तो गई, उसका दोबारा जाने के लिए मूड ऑफ हो रहा है। उसका भाई भी अभी वहीं पे खेल रहा है तो बोल रहे कि भाई को भेजते, मैंने कहा भाई अभी आया नहीं तो भाई कहाँ से जाएगा, है ना। तो मैं जाती हूँ अब किचन में, पसीना देखो रे मर गए गर्मी से। गैस के सामने फैन भी ऑन नहीं कर सकते, आजकल पसीने से मैं गोरी गोरी सी भी लग रही हूँ, फेस साफ हो गया है मेरा पसीने से, देखो चमक रही हूँ मैं। वनीला फ्लेवर में था ना कस्टर्ड पाउडर। कैसे हो रहा है आराम? अच्छी बनी है, जेली वाला है ना, जेली जेली। अच्छा तो है? मैंने मीठा कम रखा भी था। तो घी में तो फ्राई किया है, आधी कटोरी के आसपास घी लगी है। ज़्यादा नहीं खाते, मैं बहुत टाइम से देख रही थी मैं कि बनाऊंगी बनाऊंगी करके, सोचा ही सोचा आज मैंने कहा कर ही देती हूँ गुणज्ञान। आने उसके बाद कपड़े चेंज कर लेना, हाँ भाई भी और आप भी, आजकल तो बच्चों को ना वाइट टी शर्ट तो पहनानी ही नहीं है।
तो चलो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग को यहीं पे कर देते हैं एंड। उम्मीद है कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलती हूँ मैं कल आपको एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।